एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बिल्कुल अच्छी। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो अब मेरे बेटे का बर्थडे है कल, तो उसके बर्थडे की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी पार्लर, और अभी पार्लर जाऊँगी मैं। मेरे को 2 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं पार्लर नहीं गई मैं बिल्कुल भी। तो अब 2 ईयर्स के बाद जाऊंगी पार्लर। एक्चुअली हेयर बहुत डैमेज हो गए हैं, थोड़ा सा हेयर स्पा लेके आऊंगी एक, और थोड़ी सी और एक दो काम कराने हैं। और उसके साथ में देखूंगी बेटा क्या पहनेगा, उसकी ड्रेस देखनी है। तो देखते हैं उसके लिए कुछ लाऊं या है उसके पास, चेक करूंगी। और उसके बाद आने के बाद रूम डेकोरेट करना है, और हमने चुपचाप से केक ऑर्डर कर दिया। रात को उसका केक कटवाएंगे, और उसको नहीं पता और मुझे पता है, और छोटे वाले बेटे को और हस्बैंड को, अभी उससे छुपा रखा है। और ये वीडियो जब तक जाएगी तो उस दिन उसका बर्थडे होगा ही, केक कट चुका होगा। तो रात में 12 बजे केक काटने के लिए, पहले मैं सोची थी मैं ही बनाऊँ, लेकिन जब घर पे खुद से सेलिब्रेशन, घर पे ही सेलिब्रेशन होता है ना, और बनाने लगो तो इतना ज़्यादा टाइम उसी में ही लग जाता है, बाकी की प्रिपरेशन रह जाती है। तो बाकी की प्रिपरेशन भी मुझे ही करनी है। तो अभी सबसे पहले तो मार्केट जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, अगर हो सका तो मार्केट में मिलूंगी। और चलते हैं। कल तो मैं ऐसे ही बस वॉक के लिए गई थी मेनली, तो मुझे आज ही काम करना है मार्केट का, तो आज ही होगा बाकी का काम, फिर मिलती हूँ आपसे। कर रहे हैं आदि के बर्थडे की डेकोरेशन, और जो करता है मैं और बार है ना, हम सबसे बेस्ट डेकोरेशन करते हैं। वापस से कटेंगे जितना ऐसे वाला लगता है ना।
मैंने पूरी सीलिंग के ऊपर इस तरीके से बलून हैंग की है, थोड़े से नीचे की तरफ हैंग की है ताकि चलते हुए अच्छे लगते हैं, फील आता है। बहुत ऊपर होते हैं ना तो फिर फील नहीं आता। और अभी और यहाँ पे रखे हुए नीचे ये वो कर्टेन जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये रहे वो बलून्स, इनके ऊपर मैंने लगा के रखा हुआ है। अभी इनको भी हैंग करूंगी इस तरीके से ही, और मे बी पिक्चर में इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा वीडियो में, पर वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ नीचे भी रखेंगे, थोड़े से नीचे भी है। अभी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, अभी तो बस काम चल रहा है। जब मैंने पूरे रूम में गोल्डन बलून से पूरा सेटअप कर दिया, उसके बाद मुझे एक पैकेट मिला सिल्वर बलून का, तो अभी हम थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत सारे बलून पहले ही लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम है आदि, तू गिटार बजाकर दिखाएगा? हाँ बर्थडे बॉय है, मैं किसी एक सॉन्ग पे बजा के दिखाना पड़ेगा, तो लग तक नहीं है, बजा के दिखाई। अच्छा हम ऐसे कर रहे थे, मैं इतनी मेहनत कर रही, मैं थक गई पूरा, मार्केट भी गई थी, मैं इतना थक गई, मैं पहले घर का काम करके पूरा फिनिश करके फिर मार्केट गई, मार्केट से आके फिर से घर का काम किया। अब ये डेकोरेट कर रही हूँ, और ये मासी जी एक बार गिटार प्ले करके दिखा। ये है हमारा सरप्राइज जो कि हमने आदि को नहीं बताया है, उसके लिए उसकी उसको जो अच्छा लगता है हल्दीराम का केक वो ऑर्डर किया था, और अभी चुपचाप से लेके जाएंगे और फिर उसको सरप्राइज देंगे। चल पार पापा को लेके आ। एसी बंद करियो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे, पार तू भी तो बोल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। ये बटरस्कॉच का केक है ना? Happy birthday to you, आजा। Birthday to you, happy birthday. इसको इसकी वो दे, पार्ट इसकी कवर से। Birthday मेरा है तुमको। Happy birthday to you, may God bless you. उधर बैठ, वहाँ पे बैठ। पापा को बुला के लाता। Happy birthday to you. और आदि को डाउट हो गया था, है आदि तेरे को डाउट हो गया था ना? मेरे को पहले ही पता चल चुका था। पहले पता चल गया तेरे को? हाँ। कैसे? वो जो आपने नितिन भैया को वहाँ पे 15 मिनट खड़ा रखा था, पता भी नहीं चलेगा मेरे को। हमने तेरे को तो इतना केक ढूंढा, केक तो मिला नहीं था तेरे को, फिर केक ही तो नहीं मिला, बाकी पता चल गया था केक आया हुआ है, क्योंकि आप बना भी नहीं रहे थे। केक हमने इतनी तरह की करी, दूसरे वाले फ्रिज में छुपा दिया। पता है केक कहाँ था? ओए कैंडल सारी वो हो गई, जल्दी आ, पहले यहाँ मैं वीडियो। पापा कहाँ है? आदि का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, पहले अपने गॉगल्स डाल, वो बोले जो हम लाए हैप्पी बर्थडे गॉगल्स, ये हमारे खत्म हो गया। बाद हैप्पी बर्थडे बोलो, क्लैपिंग करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओ भाई ये तो बुझी नहीं थी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, ये केक है तो फिर मंगाओ जी, ऐसे ही तुम बुड्ढे होते रहो, क्या मतलब बताओ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी बुझ गए, भाई साहब बुझ नहीं दी ये तो अभी। अरे वो फ्रेंड चल गई, क्या है ये?
साइड में कर ले, केक के ऊपर सारी हवा डाल दी। हाँ बुझ गई अब उनकी मम्मी। ये ना मैजिक कैंडल है आई थिंक। काट दो। क्लैपिंग करनी पड़ती है पर केक खाने के लिए। ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा सा भगवान का निकाल दे पहले। ये है रेनबो केक। आदि रेनबो केक कैसा लगा? रेनबो केक अच्छा है, सुंदर है। अब हम आदि को खिलाऊंगी, मैं खिलाऊंगी आदि को। मम्मा खिलाएगी। नाइफ दियो, पार्ट नाइफ दे। अब नाइफ लो इनको। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। ये है आई थिंक मैंगो चीज केक है। मैं आई थिंक चीज केक है आदि, नहीं वो रेनबो चीज केक। ओ वाह वाह, चीज लगा दिया। चीज लगाया उन्होंने। पर टिश्यू पेपर लाइयो बेटा किचन से, या फिर ये जो शोकेस है ना इधर फ्रिज के सामने, वहां पे भी एक टिश्यू पेपर की पैकिंग है। तो मम्मा को नहीं खिलाया रहा, फोन में लग रहा भैया। अरे रिप्लाई कर रहा हूं। पार्ट को नहीं खिला रहा। ओए कहां पे है? नहीं खिला दे पार्ट को। कहां पे है? पार्ट आ जा, ये ले पार्ट, ये खा ले तू। उसके माउथ में खिलाना। तो अब हम केक एंजॉय करते हैं। ए कहां पे है बता दो तो। अब थोड़ी देर में अगर डांस करेंगे ये शोकेस वाले, उसमें अगर कुछ सेलिब्रेशन बड़ा आगे तो आपको दिखाएंगे। वरना आज का व्लॉग यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत बहुत बर्थडे मुबारक बेटो। और फिर अभी हम अभी सेलिब्रेट करेंगे, ट्राई करेंगे सेलिब्रेट करें। आदि गिटार दिखाएगा, गिटार सुनाएगा। आदि भूला नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। बात ये है कि ये केक किसी को भी पसंद नहीं आया, किसी को भी इसका फ्लेवर पसंद नहीं आया, ना ही बर्थडे बॉय को और ना ही पार्क को और ना ही मुझे। हमें समझ ही नहीं आया कौन सा फ्लेवर है, खा के तो पता नहीं चल रहा। पार्क पापा ही बताएंगे उन्होंने कौन सा मंगाया था। तो ये है वो केक और जिसका फ्लेवर हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। यहाँ से देख के लग रहा है रेनबो केक है। और ऊपर क्या है, ये क्या है? पापा कह रहे क्रीम चीज है ये। पापा कह रहे थे मिक्स फ्रूट, क्रीम चीज है। नहीं पापा ने बोला था, पापा गैस कर रहे थे, पापा ने वो नहीं देखा है जिससे मंगाया था ना, उसको उसको भी नहीं पूछा। वो बस केक कैसे उठले लेके आए वो। चॉकलेट रखा था वहां पे, चॉकलेट वाला पता नहीं। चॉकलेट ले मंगा लेना जी। तो जी बात यहाँ खत्म होती है कि केक हमें समझ नहीं आया क्या है, आगे क्या होता है वो भी देखते हैं क्या होगा आगे।